छोटी सी आदत आपके सम्मान को कम कर देती है। कोई भी गंदी आदत आपके गौरव को घटाती है। कोई नशा व्यसन की आदत आपके स्वास्थ्य के, आपको धन को और आपके सम्मान को कम कर देती है। आलस्य करने की आदत आपको निकम्मा बना देती है। चोरी करने की आदत आपके आदर को समाप्त कर देती है। झूठ बोलने की आदत विश्वास को खत्म कर देती है। विश्वसनीय आप नहीं रह सकते। क्रोध करने की आदत आपके ऊपर जिन जिन का प्रेम है उनके प्रेम को खत्म कर देती है। खाम खा की नाटक बनाने की आदत, दरभंगा की नाटक शुरू है, यह आदत भी आपकी प्रतिष्ठा को कम कर देती है। याद रखना, अधिक सोने की आदत आपके समय को बर्बाद कर देती है। ताश खेलने की आदत आपको मूर्खों की लाइन में खड़ा कर देती है। जुआ खेलने की आदत आपकी इज्जत आबरू को उघाड़ कर फेंक देती है। शराब पीने की आदत आपको मौत के घाट पहुंचा देती है और मान मर्यादा को जीरो पर लाकर खड़ा कर देती है। ये सारी आदतें नुकसान करती हैं, लेकिन जो अच्छी आदतें हैं, कुछ अच्छी आदतें भी हैं, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अच्छी आदतें, जैसे सत्संग सुनने की आदत, गुरु के दर्शन करने की आदत, प्रवचन कराने की आदत, दान पुण्य करने की आदत, दूसरों की सेवा सत्कार सम्मान देने की आदत। मैं मध्य प्रदेश में था, अमौन गांव में, वहाँ वीर सिंह नाम के एक भक्त थे, शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार, उनके यहाँ कार्यक्रम था। घर पे मैं उनके ठहरा था, दो मकान थे, पीछे महिलाएं थी, इधर वाले हम थे नए में, तो जहाँ मिलने की जगह थी दर्शन करने के लिए, जो कोई आता था और वीर सिंह फट से उठकर खड़े हो जाते, नमस्कार, आइए नमस्कार। वो कम से कम 100-200 बार हमारे सामने खड़े हुए और नमस्कार, आइए और समझदार बैठिए। तो हमने कहा, वीर सिंह ये क्या कर रहे हो? बोले, रोज यही करता हूँ। तो हमने कहा, इससे फायदा क्या हुआ? बोले, घाटा क्या हुआ? तो बोले, दो गिट्टी फैक्ट्री लग गई, 4-6 ट्रक हो गए, 4-5 ट्रैक्टर हो गए, 2-4 मकान हो गए, इस नमस्कार से इतना फायदा हुआ। एकलख पुत सवावलख नाती, तारावण घर दिया नबाती, अहंकार से 1,00,000 पुत्र सवावलख नाती और सोने की लंका जल करके राख हो जाती है, और नम्रता से आदमी का विकास होता है, उन्नति होती है। इसलिए दूसरों का सम्मान करने की आदत डालिए, आपके द्वार पर कोई आए तो खुश होकर के लौट कर जाए। प्रेम करने की आदत बनाइए, प्रसन्न रहने की आदत बनाइए, खुश रहने की आदत बनाइए, काम करने की आदत बनाइए, निराश होकर डिप्रेशन में बैठने की आदत को छोड़िए, मिलजुल कर रहने की आदत बनाइए, एकता की आदत बनाइए, संगठन की आदत बनाइए, आपस में गम खाने की आदत बनाइए, सहनशीलता की आदत बनाइए और सरल स्वभाव की आदत बनाइए, साफ सुथरा रहने की आदत बनाइए, गंदगी लगाकर बैठने की आदत छोड़िए, सफाई रखिए जहाँ रहिए और व्यवस्था को व्यवस्थित रखिए। व्यवस्था करना आसान है, व्यवस्थित करना कठिन है, इसलिए व्यवस्था को व्यवस्थित में रखिए। कितने घरों में मैं गया देखा, तो कितने लोगों का बिस्तर देखता हूँ तो लगता है वहाँ भैंसी रहती, आदमी नहीं रहते। डबल बेड है 50,000 का, कमरा है 5,00,000 का, सब उलझा पुलझा रौंदा फौंदा पड़ा। अरे नहीं, उसको सेटिंग से रखिए। बच्चों के खेलने कूदने के लिए अलग कमरा एक रखिए, हुल्लड़ मचाए उसमें ताला मार दीजिए, व्यवस्था बिगड़ने न पाए। नहीं तो बच्चे तो बच्चे हैं, उनको मारने पीटने से भी ठीक नहीं है, और खेलने कोई जगह चाहिए भी, थोड़ा एक छोटा हाल बनाइए, उसमें खेल खिलौने रख दीजिए, उसमें कूदते फांदते रहेंगे, 2-4 रद्दी क्वालिटी गद्दे डाल दीजिए, उछलें कूदें, चटाई ना गिरे मुँह भड़ा। लेकिन
अब तुम बिस्तर वाले में कूदेंगे तो सब तुम्हारा बिस्तर भी उलझेंगे, गिराएंगे, सब गंदा करेंगे। सेटिंग करो, व्यवस्था को व्यवस्थित करने की आदत बनाओ। नशा करने की आदत छोड़ो, दुखी रहने की भी आदत छोड़ो, प्रसन्न रहो। तुम्हारे दुखी रहने से सुखी रहने से संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम रोते रहो जिंदगी भर, बस सुबह से शाम तक शिकायत करते रहो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं, बहू ठीक नहीं, बेटा ठीक नहीं, गाय भैंस ठीक नहीं, दीवार ठीक नहीं, छत ठीक नहीं, हम ठीक हैं, कहाँ से तुम ठीक हो जब सब खराब, तुम बहुत खराब हो। ये सब नहीं, दूसरों में भी अच्छाई देखो, गुण देखो। जब किसी के अंदर गुण देखते हो तो उसके प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा होता है, और जब किसी के अंदर तुम दुर्गुण ही दुर्गुण देखते हो तो उससे के नफरत पैदा हो जाती है उसके लिए तुम्हारे अंदर। इसलिए गुणों को भी ढूंढो। धूल में पड़ी हुई शक्कर के कण को चींटी ढूंढ कर निकाल लेती है, निकालती कि नहीं निकालती। ऐसे ये संसार तो सब धूल है, मिट्टी है, सबका शरीर मिट्टी का पुतला है, सबके भीतर से अच्छे अच्छे गुणों की शक्कर के कण को निकाल कर चखिए और आनंद से जिंदगी बिताइए। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। बहुत बड़ी बात है, जब अपनी गलती मनुष्य देखता है तो अहंकार खंड खंड हो जाता है, नम्र हो जाता कि वास्तव में मेरी गलती है। गलती करना आसान है, गलती स्वीकार करना कठिन है। तो गलती को दूर करना बहुत कठिन है, और गलती होने के बाद दोबारा गलती ना करना बहुत बड़ी तपस्या है, और गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना भी बहुत कठिन है। क्षमा मांगने के बाद फिर दोबारा गलती कभी ना करना, ये और कठिन काम है। कितने लोग रोज क्षमा मांगते और रोज गलती करते, उनके क्षमा का भी कोई अर्थ नहीं। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, और बार बार गलती हो जाए तो उसे अपराध कहते हैं। और जब गलती अपराध बनती है तो याद रखना तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ देती है, दुर्भाग्य उदय हो जाता है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है। राम कहते हैं, बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सद ग्रंथों में लिखा है देवताओं को दुर्लभ वो मनुष्य शरीर मिला, ऐसे शरीर को पा करके इतना जिल्लत में जी रहे हो, इतना दुखी होकर बिता रहे हो, इसको आलस्य में खो रहे हो, नशा धूम्रपान में बर्बाद कर रहे हो, इसको रोने धोने में गंवा रहे हो, ये बुद्धिमानी का काम है। जो शरीर देवताओं को दुर्लभ था वो तुमको मिला है, उस शरीर को पाकर तुम दारू पिए पड़े हो, परिवार को दुखी कर रहे हो, पत्नी को परेशान कर रहे हो, पति को हैरान कर रही हो, सासू को सता रही हो, बहू को तकलीफ दे रही हो, दुर्भाग्य है आपका।
भगवान राम को ये शरीर मिला था, ये शरीर से साधना करके, प्रेम करके, करुणा करके, धर्म की स्थापना करके वो भगवान बन गए। तो इस शरीर को पाकर तुम शैतान बन गए, क्या दुर्भाग्य। कम से कम सोना मिला है, सोना तो रहने दो, और सोना बेच के पीतल खरीद कर बैठो, ये तो बड़ा घाटे का सौदा।